हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। वेलकम टू राणास ब्लॉग। ये हमारा पहला वीडियो है। हम आपको इसमें होम डेकोर चाहे हमारे लाइफ जो भी होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, सो एंजॉय। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम लोगों ने ये फ्लिपकार्ट परफेक्ट होम से एक फोर सीटर डाइनिंग सेट मंगवाया था। ये काफ़ी बढ़िया है। इसकी प्राइस जिसमें हमने इसे लिया था वो इसमें आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। हम नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें आ जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमें अच्छे खासे दाम पर पड़ा था क्योंकि हमने थोड़ा ऑफर का वेट किया था और अच्छे खासे प्राइस का हमें पड़ गया था। कोई इशू नहीं आया अभी तक, कम से कम इससे मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए होंगे। ज़्यादा वैसे कुछ खास यूज़ नहीं आता है इसका, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया है इसका, कॉम्पैक्ट है, देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस दे रहा है ये घर में। यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत रिजिड यूज अगर करेंगे तो हो सकता है कि इसके जो ये आपके लेदर है ये टेयर अप हो जाए, लेकिन अभी तक हमें इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया है। देखिए ये अच्छा खासा है, आरामदायक है। 5 फीट मेरी हाइट है, देख सकते हैं अच्छा खासा, ये कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है। आपके आर्म्स भी यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लुक बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल कैफेटेरिया लुक है। और टेम्पर्ड ग्लास है तो स्क्रैच वगैरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। डेलिकेट नहीं लगता है कि टूट जाएगा अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ करते हैं तो। बाकी गंदा जरूर हो जाता है क्योंकि ग्लास है तो धूल वगैरह बहुत जल्दी जम जाती है, आपको पता चलेगा। बाकी देख सकते हैं बड़े आराम से चारों कुर्सी पूरे टेबल के अंदर आ जाती है, पता भी नहीं चलता है कि कुर्सियाँ हैं कि नहीं है। बहुत बढ़िया लगा मुझे ये, बढ़िया एक्सपीरियंस था। बाकी आप निगेटिव रिव्यूज़ से बचिएगा, काफ़ी निगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं जिसको हम देख के सोचते हैं कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये आपके टोटली यूज़ पे डिपेंड करता है, बहुत हैवी यूज़ हमने किया नहीं तो नहीं बता पाएंगे आपको कि कितना ड्यूरेबल है, लेकिन होपफुली 3-4 महीना हो गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा था वैसा ही अभी भी है, ना जंग लगा है, ना कोई भी नट बोल्ट वगैरह ढीला है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे डाइनिंग टेबल की, जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू दे दिया है। और अब देखते हैं, ये अमेज़न से मंगवाया था हमने, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, अच्छा है ये काफ़ी। इससे ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। थोड़ा डेलिकेट है लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है, अराउंड 1200 रुपये का हमें ये अमेजोन से पड़ा था, अभी एक हफ्ते पहले ही आया है। कुछ और बताने से पहले मैं इसे जला के ही दिखा दूँ आपको, तो आपको बेटर मालूम होगा कि ये असल में है। देख सकते हैं बढ़िया लगेगा। वैसे प्रीफर करूँगा कि इसे ऑन करके आप सोइए मत, क्योंकि इसकी लाइट अच्छी खासी 9 वाट का बल्ब लगा है इसमें येलोइश, तो लाइट अच्छी खासी आती है और आपका पूरा रूम बंद हो जाता है अगर लाइट सारी ऑफ हो जाती है, देख सकते हो। तो अच्छी खासी अमाउंट में लाइट आ रही है, सोने में मुश्किल हो सकती है आपको। बाकी अगर एक होम डेकोर की तरह अगर आप इसे ट्रीट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लुक वाइज सब कुछ अच्छा है इसमें, अच्छी मेटल फिनिश की इसमें नट बोल्ट्स वगैरह नहीं है, जानों में कुछ भी नहीं लगा था। आपको डिसअसेंबल आया था ये, आपको इसको असेंबल करना पड़ेगा जो कि बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से असेंबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। ये जूट का है इसका, ये पूरा जो दिया है ये पता नहीं मटेरियल किस चीज़ का, लेकिन बड़ा ही हल्का है। खैर लाइट है तो कोई बहुत स्टर्डी मटेरियल यूज़ करने का भी कोई मतलब नहीं है। ये नीचे जो 3 लेग्स दिए हैं ये लकड़ी के हैं, तो बस यही देखना है कि लकड़ी ड्यूरेबल हो, दीमक वगैरह ना लगे, लोहा नहीं है। लुक वाइज बहुत अच्छा है और लाइट भी अच्छी है, तो ये भी हमें पसंद आया है। बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू जरूर लाएंगे हम, अभी तो इसे 1 हफ्ता हुआ है, देखते हैं कितना दिन चलती है। बाकी अभी तक के लिए तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग। हमारे डाइनिंग टेबल और ये ट्राइपॉड लाइट को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये लेना चाहिए तो आप ज़रूर लें, हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भेज देंगे आपको।
और आप इसे जरूर चेकआउट करें अगर आपको अपने घर में भी ये चाहिए। अगर आपका भी ड्राइंग रूम या जो भी रूम है जहाँ आप डाइनिंग टेबल रखना चाहते हैं वो छोटा है, अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का चाहिए तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं लेता है। बाकी लाइट आपके सामने, आपको ये ज़रूर अच्छी लग रही होगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो अगली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, बाय।